हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स वन से। सो ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल है। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीबीआई, या आप डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो बीए या बीकॉम, सो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल है। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं फाउंडेशन कोर्स के ऊपर जो है, चाहे आप रेगुलर कर रहे हो चाहे डिस्टेंस से कर रहे हो, सो मैं 8 से 10 वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा 10 to 15 क्वेश्चन कवर कर दूँ। एंड वो 10 to 15 क्वेश्चन करके आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे एग्जामिनेशन में। सो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एंड कुछ टॉपिक्स के जो नोट्स भी रहेंगे वो मेरे वेबसाइट पे मैं जो पोस्ट कर दूंगा, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एंड अगर आपको फाउंडेशन कोर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आइडियल का या रेगुलर का, तो लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में ऐड कर दूंगा, वहां पर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो अभी इंडियन ओवरसीज सोसाइटी में क्या है, तीन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो अर्बन एरिया का कैरेक्टरिस्टिक है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया एंड ट्रबल एरिया का कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों जो है, तीनों में से पक्का एक पूछता है 5 मार्क के लिए, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि सिलेबस में से ही पूछेगा तो एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका नसीब अच्छा तो यहाँ पे 10 मार्क का भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन 5 मार्क्स का हम कंसिडर करके चलते, तीनों में से एक पूछेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप ये करते हो तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स भी कवर होता है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों पढ़ने के बाद सिर्फ 5 मार्क्स मिलेगा, नो, ऑब्जेक्टिव्स भी कवर होते हैं यहाँ से, ठीक है। और भी एक दो एक्स्ट्रा अगर आपका आ गया तो लॉन्ग आंसर में 15 मार्क का पूछ लिया और फिर उसके बाद शॉर्ट नोट में 5 मार्क का पूछ लिया, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले हम रूरल एरिया का डिस्कस कर लेते हैं, फिर अर्बन, फिर कैरेक्टर्स एंड लास्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे मल्टी कल्चर्स के बारे में, ठीक है। सो रूरल एरिया का कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है, देखो हमको रूरल एरिया समझना पड़ेगा। रूरल एरिया ऐसे एरिया जहाँ पे क्या होता है, 24 आवर सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। अगर मैं आपको जनरल में बताऊँ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रूरल एरिया। इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाता है, विलेज में जहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है। तो अब उसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें इंडिया में, सो पहला जो है कास्ट सिस्टम, तो हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, राइट, डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ मिल के रहते हैं, सो एक सबसे बड़ा एक फीचर बन जाता है रूरल एरिया में, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीमेट रिलेशन, दैट मींस आप कभी भी गांव में जाओगे तो गांव का कोई भी पर्सन क्या करता है, पूरे गांव वाले लोगों को जानता है, मतलब हर पर्सन क्या करता है, एक दूसरे को पूरा अच्छे तरीके से जानता है, एक दूसरे से लाइक वो दिन भर में क्या होता है, इंटरेक्ट भी होते हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप। लाइक अगर मैं गांव में रहता, लाइक मैं तो ऐसे गांव में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन क्या होता है कि सभी लोगों को पता होता है, इवन मुझे भी, भले मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मुंबई में, लेकिन आई नो दैट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एवरीबडी नोज दैट, तो ये क्या होता है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर आप गाँव में जाओगे तो गाँव में देखोगे एक दूसरे से लोग क्या करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते ही करते हैं। आप देखो 99% चांसेस ये होता है, कोई घर में नहीं बैठता, कोई बाहर जाएगा घूमने के लिए, खेत में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तो एक सभी लोग एक दूसरे के बारे में अल्टीमेटली जानते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेटस ऑफ, लाइक थर्ड पॉइंट, स्टेटस ऑफ वुमेन, दैट मीन्स वुमेन का वहाँ पे स्टेटस ये है कि उनको इंडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे आप मुंबई की बात करो तो मुंबई में क्या होता है कि बाहर जाके काम करते हैं ऑफिस में, तो ऐसे विलेजेस में, रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे उनको इंडोर एक्टिविटीज में, लाइक कपड़े धोना, घर को सफाई करना, खाना बनाना, ये सारे एक्टिविटीज में जो होता है वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। सो वुमन का स्टेटस क्या है, इंडोर एक्टिविटी होता है, ना कि आउटडोर एक्टिविटी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने बोला लिख लेना। ऑक्यूपेशन वहाँ का क्या होता है, आपको जाहिर सी बात फार्मिंग होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर्स का जो भी सीजनल वाइज जो भी प्रोडक्ट क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। सो आप बोल सकते हो रूरल एरिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है, दैट इज एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ठीक है। सो ये एक एक लाइन में, दो दो लाइन में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिस तरीके से मैं इजी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही सेम तरीके में आपको नोट्स भी मिल जाएगा एकदम इजीली समझने के लिए, ठीक है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे इंडिया में तो द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज और रूरल एरिया इज मोर एज कम्पेयर टू जो है अर्बन एरिया। तो हालांकि अभी थोड़ा सा कम हुआ, बट फिर भी अगर आप देखोगे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहता है। सो रूरल एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, आपके बुक में कुछ फिगर लिखा रहेगा कितना परसेंटेज है, वो आप लिख के क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आप नॉर्मल एक्सप्लेन करोगे तो भी चलोगे कंपेरिजन करने का अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया में। लिटरेसी रेट मतलब होता है एनी पर्सन कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेज जो भी उनका है, अगर वो रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसको हम लिटरेसी रेट में कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो 5वीं पढ़ा है, 10वीं पढ़ा है तो लिटरेसी रेट, ओके। कोई भी पर्सन जो पढ़ सकता है,
जो रीड कर सकता है राइट, तो उस चीज़ को हम वो लैंग्वेज बोल सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं लिटरेसी रेट में आता है। सो अगर आप देखोगे रूरल एरिया का लिटरेसी रेट क्या होता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा भी है, ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी ज्यादा होती है कहां पे, रूरल एरिया में एज कंपेयर टू अर्बन एरिया में, क्योंकि वहां पे क्या होता है बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती है, तो इसके लिए वहां पे पॉवर्टी ज्यादा होता है। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में जो रूरल एरिया वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी दैट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट लाइक एबल टू लाइक फीड टू टाइम्स, मतलब जो पूरा दिन भर में जो है वो खाना उतना नहीं खा सकता, उसके पास इतना नहीं पैसे कि भाई वो चीज़ खा सके खाना राइट, या उसके पास, तो वो चीज़ों में उसको किस में आ जाता है, वो पॉवर्टी में आ जाता है राइट। अल्टीमेटली वो कितना कंज्यूम करता है, वो चीज़ों का एक लेवल होता है इकोनॉमिक्स में होता है, जो डिसाइड करता है कि अगर वो पर्सन इतना कंज्यूम कर रहा है तो पॉवर्टी में नहीं आता है। तो पॉवर्टी में उन लोग आते हैं जो उतना एबल, लाइक उनको खाना नहीं मिल पाता है सही तरीके से, तो वो भी मतलब उनके पास उतनी एबिलिटी नहीं है राइट। सो पॉवर्टी, इसके लिए राशन बना है पीडीएस सिस्टम, जहाँ पे उनको फ्री में राशन मिलता है या कम पैसे में मिलता है, जिससे हम पॉवर्टी को दूर कर सके। जॉब प्रोवाइड करते हैं नरेगा जैसे सिस्टम, जहाँ पे लोगों को पर डे का 100, 200, 300 जो मिलता है, तो उससे क्या कर सकते हैं, वो अपना फीड कर सकते हैं राइट। मीडिया एक्सप्लोजर, गांव में तो मीडिया एक्सप्लोजर है ही नहीं, क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे क्या है कोई ज़्यादा टीवी का चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे एंटरटेनमेंट सारी चीज़ें नहीं होती है। सो रूरल एरिया में मीडिया का एक्सप्लोजर बहुत कम है, सिर्फ न्यूज़पेपर चलता है, वो भी बहुत कम चलता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, रूरल एरिया में। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, कास्ट सिस्टम रूरल, ऐसे सेम नॉर्मल एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि इंडिया में रूरल एरिया का कैरेक्टर्स है कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम, डिफरेंट कास्ट के लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, सो यहाँ पे कास्ट सिस्टम है। इंटीमेट रिलेशनशिप दैट मीन्स इन विलेज एरिया और इन रूरल एरिया एवरीबडी नो ईच अदर राइट, दे इंटरेक्ट फेस टू फेस एवरी डे, तो वहाँ पे इंटीमेट रिलेशनशिप आता है। स्टेटस ऑफ वुमेन, रूरल एरिया में जो स्टेटस ऑफ वुमेन होता है दैट इज इंडोर एक्टिविटी होता है, आउटडोर एक्टिविटी के लिए नहीं अलाउ करते। इंडोर एक्टिविटी में जैसे कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाना, पेरेंट्स का जो केयरिंग करना, बच्चों को संभालना, वो सारी चीज़ें स्टेटस ऑफ वुमेन है कहाँ पे, रूरल एरिया में। ऑक्यूपेशन क्या होता है, मेनली फार्मिंग का होता है, एग्रीकल्चर होता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है रूरल एरिया में एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया में। लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा होती है, कम होती है लिटरेसी रेट, मतलब पढ़े लिखे कम है एक्चुअल में, कहाँ पे, रूरल एरिया में एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। पॉवर्टी भी ज़्यादा होता है, मीडिया एक्सप्लोजर का कुछ वहाँ पे नहीं है उतना ज़्यादा। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब बेरोजगारी भी ज़्यादा है रूरल एरिया में। इस तरीके से क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। अब उसके बाद अगर हमने रूरल को समझ लिया तो अर्बन को भी समझना बहुत आसान है। कैसे, देखो यहाँ पे बोला हाइड्रोजिनिटी, हाइड्रोजिनिटी वही समझो कास्ट सिस्टम टाइप का है, कि अर्बन एरिया में क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के कास्ट लोग एक साथ रहते हैं राइट। अब अगर आप एक बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग में देखो डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं राइट, लेकिन एक साथ मिलके रहते हैं, इन भले वो अलग है बट मिलके रह रहे, तो वो आप बोल सकते हो हाइड्रोजिनिटी। अर्बन एरिया क्या है, हाइड्रोजिनिटी है इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। ओके, सोशल मोबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है अर्बन एरिया में सोशल मोबिलिटी होता है, दैट मीन्स लोग क्या करते हैं एक मूवमेंट करते हैं, मोबिलिटी दैट मीन्स काम करने के लिए बाहर राइट। यहाँ पे मूवमेंट करना बहुत ही आसान है, और लोग अर्बन एरिया में क्या करते हैं काम करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल भी करते हैं, सो सोशल मोबिलिटी हो गया। सेकेंडरी रिलेशन, यहाँ पे क्या था इंटीमेट रिलेशनशिप था, और यहाँ पे अगर इंटीमेट रिलेशनशिप है, यहाँ पे सेकेंडरी रिलेशन डिफरेंस क्या हुआ, इंटीमेट में क्या होता दे इंटरेक्ट फेस टू फेस ऑन डेली बेसिस, दे नो ईच अदर, कहाँ पे, रूरल एरिया में, विलेजेस एरिया में। बट सेकेंडरी अगर अर्बन एरिया में देखोगे, अगर मैं जो है फिफ्थ फ्लोर पे रह रहा हूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, तो आई डोंट हैव एनी रिलेशन विद देम, मैं जानता भी नहीं उनको, ठीक है। तो इवन अगर फ्लैट में सामने कौन रहता है, बाजू में कौन रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रखता जानने के लिए राइट। अगर चौल में रहते हो बाजू में कौन रह रहे हैं, नहीं। वहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे से लोग रिलेशन किस लिए, काम के लिए बनाते हैं, बाकी दे डोंट हैव एनी इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होता है, दे डोंट नो ईच अदर राइट। ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली मिक्स सर्विसेज का होता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे अर्बन एरिया में, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सर्विसेज जैसे जॉब के जो होता है वर्क प्लेस होता है, जैसे एमएनसीज में आप वर्क कर रहे हो या बैंक में कर रहे हो कहीं पे, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एज वेल एज जो है सर्विसेज ज़्यादा होती है। लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू, अगर आप कंपेरिजन करोगे रूरल एरिया से, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया और ट्राइबल एरिया से। मीडिया का एक्सपोजर अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा होता है राइट। एग्जाम्पल दूंगा, घर पे बैठ के लगेगा बहुत ज़्यादा जो है बाहर धमासान है, बाद में बाहर जाने के बाद चलेगा ऐसा कुछ है नहीं राइट। सो मीडिया एक्सपोजर मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन फटाक करके वायरल होता है, तो
अर्बन एरिया का समझो कि यहाँ पे मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। यहाँ पे पावर्टी भी कम है एज कम्पेयर टू रूरल, ऐसा नहीं अर्बन एरिया तो पावर्टी नहीं है, यहाँ पे पावर्टी बिकॉज बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं है, पॉपुलेशन कंजेस्टेड हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गया, तो वहाँ पे लोगों को जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे भी पावर्टी होने का चांसेस है। लोगों को जॉब नहीं है, पढ़े लिखे जॉब नहीं है तो भी पावर्टी में, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में आता है एक्चुअली। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहाँ पे क्या बहुत एज कम्पेयर टू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम है, बट फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है अर्बन एरिया में भी होता है, क्योंकि अगर मैं हाई क्वालिफाइड हूँ और मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है तो भी वहाँ पे क्या है, मैं अनएम्प्लॉयड ही हूँ ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। ऐसा क्या होता है कभी कभी जो पढ़े रहते उनको जॉब नहीं मिलता है, सो अगेन दे काउंट एज अ अनएम्प्लॉयमेंट, सो यहाँ पे भी बेरोजगार होता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ पॉइंट मैं मिसिंग कर रहा हूँ या आपको कुछ माइंड में एग्जाम्पल है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी अगर हम ट्रैवल एरिया की बात करते हैं तो ट्रैवल एरिया बेसिकली जो आदिवासी जो होता है, आदिवासी एरिया जैसे राजस्थान अगर आप जाओगे, मध्य प्रदेश, बिहार में भी है ऐसा नहीं, झारखंड में है, ऐसे हर जगह, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर देखोगे बहुत सारे स्टेट में है, उड़ीसा में है। सो अब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो उनका कॉमन टेरिटरी है। अब अगर ये टेरिटरी बोलोगे तो दैट इज़ अ एरिया, पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो उनका क्या है जो नॉर्मल क्या होता है, कॉमन एरिया, मतलब उनका एक कॉमन सेंटर, कॉमन एरिया होता है जहाँ पे वो लोग क्या करते रहते हैं, सो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन टेरिटरी। उसके बाद कॉमन नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए क्या होता है, नॉर्मली होता है जो कॉमन नॉर्म्स होता है। कॉमन लैंग्वेजेस भी होता है, राइट, उनका लैंग्वेज भी क्या होता है एक जैसे ही होता है जो भी वो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। कॉमन कल्चर्स, उनका कल्चर भी क्या होता है सेम ही होता है, ऐसा नहीं होता वहाँ पे डिफरेंस होता है, दे हैज़ अ कॉमन कल्चर। अगर आप रिलीजन की बात करते हो तो यहाँ पे मोस्टली अगर आप देखोगे तो हिंदू रिलीजन ज़्यादा है, बट देर आर अदर रिलीजन ऑल्सो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन की बात करते हो तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन अगेन फार्मिंग ही है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्या करते हैं वहीं पे खेती करके खा के फिर वहीं पे ही रहते मोस्टली। स्टेटस ऑफ वुमेन अगेन यहाँ पे इंडोर एक्टिविटी में भी सेम, यहाँ पे इंडोर एक्टिविटी ही रहती है जैसे रूरल एरिया में है। लिटरेसी रेट यहाँ पे भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकाले हैं जहाँ पे फ्री में एजुकेशन, रिजर्वेशन सिस्टम, सारी चीज़ें, ताकि सभी लोग एजुकेटेड हो ऐसे एरिया में जो जो अंडर डेवलप एरिया है और जो ट्राइबल एरिया है उस टाइप, उस एरिया में क्या करना, स्कूल ओपन करना जहाँ पे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, जहाँ पे फ्री में बुक्स, बैग्स, कपड़े, सारी चीज़ें फ्री में देना, ताकि बच्चे लोग जो आए पढ़ाई करने के लिए। सो उनका ये एज अ मतलब गवर्नमेंट का एम है कि हर पर्टिकुलर एरिया में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जो ट्राइबल एरिया है, और वहाँ पे पर्टिकुलर एक बोलते हैं पर्टिकुलर रीजन में एक स्कूल होना चाहिए गांव में जहाँ पे सभी लोगों को फ्री में एजुकेशन मिलने के लिए गवर्नमेंट सरकार इतना पैसा खर्चा करता है। एंड अगर आपको पढ़ना है तो TY BCOM के जब आपको इकोनॉमिक्स आएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट होता भी है। अब बचा लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछ सकता है, मल्टीपल जो है कल्चरल के बारे में और लिंग्विस्टिक के बारे में, तो सर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि लिंग्विस्टिक के बारे में। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हो, जाहिर सी बात है हमारे कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, राइट, हमारे कंट्री में डिफरेंट लोग, मतलब डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट रिलीजन्स लोग रहते हैं, डिफरेंट लोग, डिफरेंट फेस्टिवल्स होता है, फॉलोअर्स जो है डिफरेंट है। सो अभी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, मल्टी कल्चर, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज, तो आप ओन तरीके से ओन में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे मल्टी रिलीजन के बारे में, जैसे हिंदुनिज्म के बारे में, उसके बाद क्रिश्चियनिटी के बारे में, फिर उसके बाद जैनिज्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी और भी बहुत सारे ऐसे जूडिस के बारे में, तो सर वो सारे पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना, उसका नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप पढ़ लेना, एकदम बेसिक है, सारी चीज़ें समझना है। अगर उसको आप पढ़ना है तो आप समझिए कि वो रिलीजन क्या सिखाता है, ठीक है, वो रिलीजन क्या सिखाता है वो देखो, एंड उनका मेन एम क्या है, उनका जो क्या सीख देता है तो वो चीज़ है, उनका होली बुक क्या है, बस अगर आप ये दो चीज़ समझे और फिर आप ढेर सारा एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिलीजन के बारे में आप जानोगे तो और अच्छी बात है, इससे क्या होता है कि दूरियां ख़त्म होती है एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के बारे में, राइट। तो अगर आप जैसे, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा दोस्त बहुत सारे हिंदू लोग, मैं उनके साथ बैठता उठता हूँ, खाना पीता है, सब कुछ नहीं, तो क्या होता है कि हमको पता चलता है कि एक्चुअल उनका रिलीजन क्या बोलता है, हमारा रिलीजन क्या बोलता है, राइट। सो अगर हमको पूरा सही तरीके से नॉलेज होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि एक सही तरीके से मिलजुल के एक सोसाइटी में रह सकते हैं, बिकॉज एक रिलीजन ये सिखाता है कि हमको पीस में एक मेंटेन, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रहते हैं। इसके लिए हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ और बहुत सारे, इवन इंडिया में पूरा अप्रोक्सीमेट देखोगे तो सब लोग एक साथ मिलजुल के ही रहते हैं,
ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया रहेगा। एक रीजनल वेरिएशन अगर आपको एक्सप्लेन करना कि भाई रीजनल वेरिएशन क्या है, रीजनल दैट मीन्स एरिया का अगर आप लोकेशन अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, आपको बताया मैंने लिटरेसी रेट क्या है, तो लिटरेसी रेट कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे जो है कम है, कहीं पे है ही नहीं अगर आप बोल सकते हो, बहुत कम है। सो उससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कंपैरिजन कर सकते हो। सेक्स रेशियो से कंपैरिजन कर सकते हो। सेक्स रेशियो बेसिकली मींस होता है कि जैसे मेल एंड फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, 100 और 1000 मेल पे कितना फीमेल है। सो बहुत सारे मोस्टली ऑलमोस्ट सारे स्टेट में जो है मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है, राइट। बट केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्या है, फीमेल जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल कम है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। बाकी अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया से भी क्या कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरा डिटेल में समझ में आ गया रहेगा। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है, फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं सारे जैसे 8 वीडियो का मैंने टारगेट रखा, 10 वीडियो का पूरा सिलेबस फाउंडेशन कोर्स 1 फाउंडेशन कोर्स 2 जो है दोनों क्लियर कवर कर दूंगा। ये होने के बाद अगर कि जो भी आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसके ऊपर भी मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे, पूरा अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। आप फीडबैक देना मत भूलिए, सो दैट मैं फ्यूचर में वो चीज़ इंप्रूव कर सकूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग वीडियो। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल हेल्प हुआ रहेगा, सो आप जो है मुझे हेल्प कर सकते हैं स्मॉल कंट्रीब्यूशन करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो।